कहते क्या है हम तुम्हारा? कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत। आखिर क्या खास सरप्राइज प्लान किया है प्रभास के बर्थडे पर? क्या प्रभास पूजा के बीच हुई तकरार और क्या है फिल्म के अहम 30 मिनट? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। अपनी सुपरस्टार ब्लॉकबस्टर होने वाली फिल्म राधेश्याम में यंग स्टार प्रभास का काफी रोमांटिक अंदाज नजर आने वाला है। देवसेना और श्रद्धा कपूर से रोमांस फरमाने के बाद अब डार्लिंग मोहनजोदड़ो एक्ट्रेस ब्राउन ब्यूटी माने जाने वाली पूजा हेगड़े के साथ रोमांटिक सागा फिल्म में एक लव स्टोरी फिल्माते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, राधेश्याम मूवी का जब पोस्टर और मोशन टीजर रिलीज किया गया था तब से फैंस उनकी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आए हैं। फैंस की एक्साइटमेंट प्रभास की अगली मूवी को लेकर किस हद तक बढ़ गई है ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब राधेश्याम मूवी के पोस्टर को रिलीज किया गया था तो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर फिल्म के पोस्टर में 7 लाख से ज्यादा लाइक्स और रीपोस्ट हो चुके थे। फैंस के फिल्म को लेकर इस इंतजार को तोड़ते हुए और उनकी क्यूरियोसिटी को एक लेवल ऊपर उठाते हुए कुछ दिन पहले फिल्म से जुड़ी अपडेट मेकर्स ने सामने रखी है। रिबल स्टार प्रभास के बर्थडे के दिन एक बहुत बड़े सरप्राइज का प्लान फिल्म के मेकर्स ने किया था। क्या उनकी देवसेना उनके पास वापस आ रही है या फिर राधेश्याम के रिलीज डेट को प्रीपोन कर दिया गया है या फिर कोई तीसरा नया कैरेक्टर हमसे जुड़ रहा है? तो चलिए दोस्तों, इन सवालों का जवाब देते हुए हम आपको बता दें कि प्रभास के बर्थडे के दिन हो सकता है राधेश्याम से उनका ऑफिशियल टीजर रिलीज किया जाए। फिल्म की कहानी ट्रेन के आसपास घूमती हुई सबसे ज्यादा नजर आने वाली है, जिसके बाद काफी यूनिक स्टाइल में फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज करेंगे प्रभास अपने बर्थडे पर। जहां एक तरफ दोनों ही स्टार्स एक काफी ज्यादा अमेजिंग और रोमांटिक सागा फिल्म में नजर वाले हैं, वही दोनों के बीच में ही केमिस्ट्री खत्म होती जा रही है। आपको बता दें कि दोस्तों, कुछ टाइम पहले पूजा और प्रभास के बीच में हो रही फिल्म के सेट में अनबन को लेकर खबरें मार्केट में काफी ज्यादा जोर पकड़ रही थी। फिल्म के मेकर्स इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि प्रभास और पूजा के बीच में काम को लेकर थोड़ी सी अनबन नजर आने लगी थी। दोस्तों, काम की पंक्चुअलिटी को लेकर खबरें आ रही थी कि पूजा और प्रभास के बीच में काफी तकरार देखने को मिली है और ऐसा ना हो कि रोमांटिक सागा से ये एक एक्शन मूवी पर तब्दील हो जाए, लेकिन दोनों के बीच की अनबन फिल्म एक बहुत बड़ा असर डाल सकती है क्योंकि दोस्तों, राधेश्याम मूवी में फिल्म के 30 मिनट काफी अहम होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 30 मिनट के हाईएस्ट पीक पॉइंट साबित होंगे। इन 30 मिनटों में प्रभास पूजा की जोड़ी को एक शिप के सीक्वेंस के साथ जोड़ा जाएगा। शिप सीक्वेंस में फिल्म का क्लाइमेक्स और रोमांटिक पार्ट सीन शूट किए जाने वाले हैं। अगर दोनों के बीच की अनबन खत्म नहीं होती तो हो सकता है कि फिल्म का इतना इमोशनल और इम्पोर्टेंट हिस्से में केमिस्ट्री की वजह से कमी नजर आए और ये फिल्म के सुपरहिट होने में रुकावट खड़ी कर दे। हमारी यही उम्मीद है कि जल्द ही पूजा प्रभास के बीच चल रही अनबन खत्म हो और दोस्तों, ये फिल्म सुपरहिट साबित हो। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले। हमारी आज की राइटर है कोमल तिवारी।